आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि भगवान राम भगवान शिव के भक्त थे एवं दूसरी ओर रावण, जो कि भगवान शिव का परम भक्त माना गया है एवं भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त था, इसके बावजूद रावण युद्ध क्यों हार गया। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इस उत्तर में भक्ति, सत्य, धर्म के महत्व को जान सकते हैं। रावण ने शिवलिंगम के रूप में भगवान शिव की पूजा की। वह भगवान शिव के भक्तों में से एक है। भगवान राम ने भी शिवलिंगम के रूप में भगवान शिव की पूजा की। वे भी भगवान शिव के भक्तों में से एक है। राम और रावण दोनों ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया कामयाबी के लिए। राम के पास अपने भगवान शिव के प्रति भक्ति थी। उन्होंने सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। जीवन में धर्म व मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। लेकिन रावण की अपने भगवान शिव के प्रति भी भक्ति थी। उसने असत्य अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया, जो भगवान शिव को पसंद नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का पतन होता है। भगवान शिव केवल भक्तों के हृदय में उपस्थित थे। वे एक सत्य, भक्ति और धर्म थे। भगवान शिव ने दोनों के लिए आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान शिव राम के हृदय में मौजूद हैं, जिनके प्रति भक्ति, सच्चाई और धर्म है। लेकिन रावण ने भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद का दुरुपयोग किया। इस जानकारी से हमें क्या सीख मिलती है जीवन के लिए? ना केवल भक्ति महत्वपूर्ण है, बल्कि सत्य और धर्म का मार्ग भी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद या वरदान का दुरुपयोग करने के लिए कभी नहीं है। यह पतन की ओर ले जाता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।